हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नमिता और आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मैसूर पाक की रेसिपी। ये साउथ इंडिया की सबसे फेमस मिठाई है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो इसके लिए हम एक पैन में 3/4 कप घी गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 1 कटोरी बेसन। धीरे धीरे करके डालना है, पूरा एक साथ नहीं डालना है। जब एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए फिर दोबारा डालो। फिर अच्छे से मिक्स करके इसको लास्ट में पूरा डाल देंगे। अब इसमें मैंने 2 चम्मच बारीक वाली सूजी भी डाली है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे साथ में। स्टार्टिंग में ये थोड़ा हिलाने में इसको दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे ये सॉफ्ट होता जाएगा। इस तरह से देखिए, इसे धीमी आंच में 5 से 7 मिनट तक भूनना है। ये हमारा बेसन भून गया है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी बर्तन में मैं 1 कटोरी चीनी डालूंगी और 1/4 कटोरी पानी डालूंगी, जितना चीनी उसका 1/4 पानी। अब इसकी चाशनी बनानी है हमें, तो इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे लगातार चलाते हुए। इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच पिसी हुई हरी इलायची। ये मेरा अपना ट्विस्ट है, इसमें मैंने बीट रूट का पाउडर डाला है। ये मैंने खुद ही घर में बनाया है। बीट रूट को धूप में सुखा के, कद्दूकस करके धूप में सुखा के, इससे इसमें अच्छा कलर आ जाता है। ये देखिए, चाशनी में टेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, चाशनी जब इस तरह से पानी में नीचे जमने लग जाए इसका मतलब ये रेडी है। तो अब हम इसमें बेसन डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये घी छोड़ने लग जाए, 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से भूनना है। ये घी छोड़ने लग जाए तो इसे मैंने एक पैन को ग्रीस करके रखा है और उसमें बटर पेपर लगा दिया है, तो ये मैं उसमें डाल दूंगी। अब इसमें मैं बारीक कटे हुए काजू डाल दूंगी और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए इसमें कट का निशान लगा देना है 1/2 घंटे बाद। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए अच्छे से, तो फिर इसको आप अपने हिसाब से जिस शेप में चाहें काट सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे मैसूर पाक तैयार हैं। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे बने हैं। आप भी इन्हें घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मैंने सबसे ईजी मेथड बताया है मैसूर पाक बनाने। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। थैंक यू फ्रेंड्स।